हेलो दोस्तों, हानिया पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूवी और मूवी से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, बात करेंगे जवान मूवी के बारे में। आप सभी को पता है दोस्तों, जवान मूवी 7 सितंबर को रिलीज हुई थी और जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से ये मूवी ताबड़तोड़ कमाई करती हुई जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बॉलीवुड के इतिहास में अब तक ऐसी कोई मूवी नहीं बनी है जिस मूवी ने इतनी बड़ी ओपनिंग ली हो। इस मूवी ने ओपनिंग 74.5 करोड़ की ली है, 74.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग उठाई है। अब तक के इतिहास में बॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं बनी है जिस मूवी ने इतना कलेक्शन उठाया हो अपने पहले दिन। दोस्तों, वैसे बात करूँ इसके बजट की, तो बजट इस मूवी का 250 करोड़ रुपये रखा गया है और एटली के डायरेक्शन में ये मूवी बनी है जो कि तमिल के जाने माने डायरेक्टर हैं, और वहीं तमिल के सुपरस्टार विजय सेतुपति इस मूवी के अंदर विलन के रूप में हैं और तमिल की हीरोइन है नयनतारा। तो दोस्तों, वैसे बात करूँ इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पहले दिन इस मूवी ने 74.5 करोड़ रुपए की अर्निंग की। ठीक है दोस्तों, 74.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग की जो कि एक बड़ी शानदार रिपोर्ट है। और वैसे बात करूँ इस मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का 139 करोड़ रुपये हो जाता है पहले दिन का। वही बात करूँ दूसरे दिन इस मूवी ने पूरे भारत से 53.23 करोड़ रुपए की अर्निंग की। तीसरे दिन तो इस मूवी के जो कलेक्शन था उसमें इतना उछाल आया, यानी 20 करोड़ रुपए का उछाल, 77.83 करोड़ रुपए की अर्निंग की। दोस्तों की एक जितनी का तारीफ की जाए इस मूवी की उतनी कम है, क्योंकि यार पहले दिन 74 करोड़, दूसरे दिन 53 करोड़ और तीसरे दिन 77.83 करोड़ रुपये। दोस्तों, मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और चौथे दिन का कलेक्शन बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस मूवी ने अपने चौथे दिन 82 करोड़ रुपये की अर्निंग की। दोस्तों, 82 करोड़ रुपये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कलेक्शन है। दोस्तों, वैसे 4 दिनों का इस मूवी का जो कलेक्शन रहता है वो 290 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी का 4 दिनों का कलेक्शन वो 540 करोड़ रुपए हो जाता है। वहीं पांचवें दिन की बात करूँ तो पांचवें दिन वैसे आप सभी को बता दूँ कि भाई जैसे मूवी ने 4 दिन तो दबके काम किया, दबके कमाई की, लेकिन पांचवें दिन ड्रॉप देखने को मिलती है और पांचवें दिन ये पूरे भारत से 32.92 करोड़ रुपए की अर्निंग करती है। वही छठे दिन भी ड्रॉप 28.50 करोड़ रुपए की अर्निंग करती है और आज ये पूरे भारत से लगभग 27 करोड़ रुपए की अर्निंग करती हुई नज़र आ रही है। और वहीं बात करूँ तो भाई इस मूवी ने ओवरसीज से 216 करोड़ रुपए की अर्निंग कर चुकी है। और ये मूवी और इस मूवी का अब तक का यानी 7 दिनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है वो 375 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है, वैसे इस मूवी का जो 7 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 375 करोड़ रुपए हो जाता है और 7 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 660 करोड़ रुपए कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर आप सभी को पता है कि देखो इस मूवी को चलते हुए 1 हफ्ता हो गया है आज, और 1 हफ्ते के अंदर इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 650 यानी 600 करोड़ रुपए के आंकड़े को कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये अगले हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को कंप्लीट कर लेगी या नहीं कर लेगी। दोस्तों, वैसे 650 करोड़ रुपए तो कमा ही चुकी है, क्या 1 हफ्ते के अंदर 350 करोड़ रुपए नहीं कमाएगी? आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बताना। भाई वैसे तो कमाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख खान की मूवी है चल रही है, ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, और वहीं तमिल के जो सुपरस्टार हैं विजय सेतुपति और तमिल हीरोइन नयनतारा, वैसे तो तमिल, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरीके से शाहरुख खान ने पैसा लगाया भाई मूवी में, उस तरीके से हिंदी भाषा में तो कलेक्शन कर रही है,
लेकिन तमिल और तेलुगु भाषा में ये मूवी इतना कमाल नहीं कर रही है। मात्र 6 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, बस इतना ही कलेक्शन करती हुई जा रही है। 6 करोड़ से ऊपर का तो कलेक्शन किया ही नहीं, पहले दिन ही देख लो यार, 6 करोड़, 4 करोड़ तमिल में, 6 करोड़ तेलुगु में, 4 करोड़। उस तरीके से तमिल और तेलुगु में कोई रिस्पॉन्स देखने को अच्छा नहीं मिला, सिर्फ हिंदी भाषा में ये मूवी कलेक्शन कर रही है। और जिस तरीके से शाहरुख खान वैसे अपना सिक्का नहीं जमा पा रही है, क्योंकि जो साउथ की मूवी होती है वो तो भाई बॉलीवुड के अंदर अच्छी खासी कमाई करती है, जैसे RRR मूवी थी, KGF Chapter 2 थी, बाहुबली थी, उन्होंने हिंदी भाषा के अंदर बहुत काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। लेकिन बॉलीवुड की मूवी क्यों नहीं चल पाती भाई तमिल और तेलुगु में, क्यों नहीं चल पाती साउथ में, इसका क्या रीज़न है? क्या हमारे पास कोई अच्छी स्टोरी नहीं है? क्या बॉलीवुड वालों के पास अच्छी स्टोरी नहीं है? ठीक है दोस्तों, और आप सभी को भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब